हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादल थापा एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ RTX 4060 का अनबॉक्सिंग एंड कैसे आप इसको PC में इंस्टॉल कर सकते हो। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस अगर मैं आपको इसका फीचर्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा गाइस, इसमें DLSS 3 का सपोर्ट आपको मिलने वाला है जो कि गेमिंग में आपको बहुत फायदा होगा। हालांकि मैं तो गेम खेलता नहीं, मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है वीडियो को एडिट करना एंड देन रेंडरिंग करना। तो उसके लिए गाइस इसमें आपको कूड़ा कोर्स एंड देन जो आपकी क्लॉक स्पीड है बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो 4060 में गाइस आपको 3072 कूड़ा कोर्स मिल जाएंगे एंड क्लॉक स्पीड की बात करता तो गाइस 1830 मेगाहर्ट्ज़ का आपको मिल जाता है। बाकी गाइस RT तो आपका रे ट्रेसिंग एंड ऑल वो सब तो आपको पता चल जाएगा। मेन इसमें 3 इयर्स की आपकी वारंटी मिलने वाली है एंड अगर मैं आपको प्राइस की बात करता तो गाइस प्राइस आप देखोगे यहाँ पे 47,880 दिखा रहा है। लेकिन गाइस आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, इफ यू आर लिविंग इन पुणे या अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो देन गाइस आप लोगों के लिए बहुत ही ऑसम न्यूज है एंड दैट इज की गाइस इसको गाइस मैंने ऑनलाइन परचेस ना करके मैंने ऑफलाइन परचेस की, वो भी एक ऐसे शॉप से हमारे विमान नगर में जहाँ पे गाइस आपको होलसेल से भी कम प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट जो आपको मिल जाएगा। तो गाइस वो जो शॉप है मैं एकदम एंड में बताऊंगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। ऑल राइट गाइस, तो अब हम करते हैं इसका अनबॉक्सिंग एंड आई नो आप लोग भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो। पहले हम कर लेते हैं अनबॉक्सिंग एंड देन हम इसको इंस्टॉलेशन करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो सील पैक्ड है इधर पे भी एंड देन हेयर ऑल्सो राइट। तो कहीं से भी आपका मन हो गाइस इसको आप निकाल लीजिए, है ना। तो इसको जस्ट आपको ओपन करना है। ओके सो इसके अंदर एक निकला है बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। ओके सो इसको भी हम ट्राई करते हैं ऐसे निकालने का, आई गेस थोड़ा देख के संभाल के, है ना। अंदर ग्राफिक कार्ड है तो इधर से एक है एंड इधर से आपका निकलेगा ऐसे करके, ऐसे सुला दीजिए एंड देन 3, 2, 1 एंड ओ माय गॉड गाइस एक और बॉक्स। ये क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस आपको एक कार्ड मिल रहा है, थैंक यू फॉर चूजिंग Inno 3D। तो बेसिकली बताना चाहूंगा ये जो Inno 3D का इसे बेसिकली कंपनी है, ऐसे आपको जोटेक MSI बहुत हो गए डिफरेंट मिल जाएंगे आपको, जो सस्ता लगता है गाइस आप उसके साथ जा सकते हो। एंड एक और चीज बताऊंगा गाइस, यहाँ पे ये जो 4060 में कहीं पे भी OC ओवरक्लॉक नहीं लिखा, जो OC ना जस्ट एक गिमिक है गाइस पैसे थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज करने का, तो उसके पीछे भागने की नीड नहीं है, ठीक है। एंड देन गाइस अगेन एक और सीट है, रहने दीजिए इसको। तो अब ये जो पार्ट है गाइस ऑब्वियसली इसमें तो हमारा ग्राफिक कार्ड होने वाला है। तो गाइस एक काम करता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एंड आपको डायरेक्टली मैं ग्राफिक कार्ड दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि ये जो बॉक्स था इससे हमने निकाला तो कुछ हमें इस तरीके से रैपर के अंदर हमारा ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, देखने में बहुत ही ज़्यादा ऑसम दिखाई दे रहा है। कौशन से बोला एक काम करते इसको प्यार से निकालते हैं। ओके सो वी हैव आवर ग्राफिक कार्ड एंड बूम गाइस ये देखिए कितना प्यारा है दिखाई दे रहा है, डबल फैन आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड एक चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके सो गाइस इसमें मिनिमम आपको 8 पिन लगने वाला है, मैं आपको बताऊँगा आगे क्या चीज़ है वो। एंड पीछे कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने प्रोटेक्टर भी दिए यहाँ पे इस तरीके से निकाल के। ये जो आपको चिप दिखाई दे रहा है कैसे कहीं ना कहीं आपने बचपन में अगर वीडियो गेम्स खेले कॉन्ट्रा मारियो हमारे पास ऐसे चिप रहता था, तो ये भी काइंड ऑफ कुछ वैसा ही है, जस्ट आपको ये लगाना रहता है। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको पोर्ट्स की बात करता हूँ, ओके सो हेयर वी हैव टोटल 4 पोर्ट्स जिसमें से ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस वन इज योर HDMI एंड बाकी की 1, 2 एंड देन 3, ये तीनों के तीनों आपके डिस्प्ले पोर्ट्स है। तो गाइस मेक श्योर करना है कि आप अगर आपको ड्यूल मॉनिटर सेटअप चाहिए जैसे आप मेरे PC पे देख पा रहे हो वहाँ पे, तब आपको एक HDMI तो लगेगा ही लगेगा एंड बाय डिफॉल्ट आपको एक DP पोर्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो गाइस इसको अब मैं रखता हूँ एंड अब आप देख सकते हो नीचे वी हैव अ PC जिस पे ऑलरेडी 1650 सुपर लगा हुआ है, यू नो। तो अब मैं उसको निकालता हूँ एंड दिखाता हूँ कि ये आप कैसे उस पर इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइस तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन एस्केप अगर आप प्रेस करते हो देन वी हैव दिस परफॉर्मेंस, इस पे आपको क्लिक करना है देन GPU वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको आना है। तो बहुत क्लियरली देख सकते हो हियर वी हैव NVIDIA GeForce GTX 1650 Super एंड उसका कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ बॉटम पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली, 8 GB का RAM है, जो भी है गाइस आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास था ये 1650 Super, अब मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ 4060। ऑल राइट गाइस तो अब हम जल्दी से इसको कर लेते हैं शट डाउन ताकि हम अपने PC को जो है बेसिकली उसमें इंस्टॉलेशन कर सके। ऑल राइट गाइस तो आप देख सकते हो कि मैंने जो हमारा बैक साइड का जो पैनल है उसको मैंने निकाली, बहुत ईजी था जस्ट स्क्रू निकालना, अभी एंड में जब मैं लगाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। तो इसको फिलहाल ऊपर रख देते हैं हम, कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं है। एंड कुछ केबल्स है तो गाइस आप केबल्स निकाल लीजिएगा, मेरा माउस, ये मेरा पोर्टेबल USB बेसिकली USB हब, ये मेरा LAN, ठीक है, ये हमारा माउस का है बेसिकली ब्लूटूथ, ये देखो ये है आपका DP एंड देन दिस इज योर HDMI।
तो गाइस आप यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियरली देख सकते हो कि आपका डिस्प्ले पोर्ट एंड देन HDMI पोर्ट में डिफरेंसेस है, तो आपको ये दोनों की नीड है इफ यू वांट अ ड्यूल मॉनिटर सेटअप, एल्स अगर सिंगल मॉनिटर है तो कोई भी एक आपको लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। एंड देन ये पावर को मैं हटा देता हूँ इस तरीके से। ऑलराइट गाइस, तो अब आपको क्या करना है, आपका जो CPU है निकाल लीजिए और इसको गाइस सिंपली आप सुला दीजिए। तो जब आप सुलाओगे तो एक चीज ध्यान में रखना कि गाइस ये देखो इतना सब कुछ दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ नहीं है। वी हैव अ CPU, उसका फैन, मदरबोर्ड, रैम एंड यहाँ पे बॉटम पे SMPS है हमारे, एंड देन दिस इज आवर 1650 सुपर जिसको अब हमें निकालना होगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम इसको निकालते। देखिए इंस्टॉलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि अगर आप बाहर से किसी को इंस्टॉलेशन के बुलाते हो गाइस मिनिमम 500 या 1000 वो चार्ज कर लेंगे, एटलीस्ट वो पैसा मैं आज आपका बचा रहा हूँ। तो एक चीज तो देख लीजिए गाइस, सबसे पहले इधर कोने में आप देख सकते हो हमारा ग्राफिक कार्ड, ये जो एक आपको नट दिख रहा है इससे कनेक्टेड है, ठीक है। इसको हम सबसे पहले तो निकाल लेते हैं, तो जस्ट आपको इस तरीके से इसको गाइस निकाल लेना है बाहर, तो एक आ गया आपका नट सिंपल। एंड देन यहाँ पे अब एकदम पार्ट पे देख सकते हो इस जगह पे, तो यहाँ पे 6 पिन जो है वो कनेक्ट है, तो इसको आप एकदम अच्छे से निकाल लीजिए गाइस, ज्यादा सोचना नहीं है। ये रहा देखिए 6 पिन, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, ये बेसिकली पावर केबल है अपना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम इस जगह पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है गाइस यहाँ पे, तो इसको जस्ट आपको थोड़ा सा साइड में नीचे खींचना है इस तरीके से, देखो मैंने नीचे कर दिया। अब ये जो आपका ग्राफिक कार्ड है प्यार से इसको एकदम आप एकदम प्यार से निकालिए, ठीक है गाइस। ये देखिए प्यार से आपको निकालना है इस तरीके से, ये देखो ये जो पार्ट है वो सेम है, आप ऐसे ही रखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हेयर वी हैव आवर एक्चुअल 4060, तो गाइस साइज में आप डिफरेंस देख सकते हो, बट ये जो चिप है वो एकदम सेम है, ठीक है। अब इसके बदले मुझे इसको फिट करना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे पोर्ट में भी आप डिफरेंसेस देख सकते हो कैसा है। इसमें गाइस आपको एक एक्स्ट्रा DVI केबल मिलता है, यहाँ पे ऐसा DVI केबल कुछ भी नहीं है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, राइट। ऑलराइट, तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है गाइस, जब भी आप इस तरीके से हाई एंड ग्राफिक कार्ड परचेस करते हो तो सबसे पहले तो मेक श्योर करना कि आपका ये जो मदरबोर्ड है वो इसको सपोर्ट करे, दूसरा CPU जो है इसको सपोर्ट करे, थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो कितने प्यार से यहाँ पे लग गया था, है ना। बट ये देखो तो गाइस पूरा का पूरा ये जगह खाने वाला है, तो ये भी चेक कर लेना कि ये जो पावर है या जो भी ग्राफिक कार्ड आप यूज़ कर रहे हो आपके मदरबोर्ड पे वो फिट आएगा या नहीं। ऑब्वियसली फिट तो आएगा, कोई टेंशन नहीं है, बट यहाँ पे भी तो जगह होनी चाहिए। एंड थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि गाइस SMPS जो है ना मिनिमम 500 वॉट का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, एंड साथ ही साथ उसमें ये जो पिन दिख रहे गाइस ये 8 पिन होना जरूरी है। यहाँ पे देख लीजिए टोटल मिनिमम देखो ना 8 है, वहीं अगर मैं आपको हमारे इस पे दिखाता हूँ 1650 सुपर पे, यहाँ पे ये देखो कोने पे है बट यहाँ पे 6 है, सो गाइस इधर 6 एंड देन इधर 8, तो मेक श्योर कि आपको मिनिमम 8 पिन वाला केबल लगेगा विथ 500 वॉट तो मिनिमम है, एल्स आपको SMPS चेंज करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना गाइस, जैसे वो लगाया था सेम ये भी उसी तरीके से लगाना है, ये वाला जो मेन पार्ट है इसको देखो ऊपर आता है, नीचे हमें नीचे ही करना है, यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, एंड देन एट द एंड में ये जो किला है हमें यहाँ पे इसको रखना है। तो गाइस एकदम प्यार से आप इसको फिट कीजिए, ऑलराइट गाइस, तो ये देख लीजिए कि ये हमने फिट कर दिया है, ठीक है। एंड हियर वी हैव वन स्क्रू, इसको बस आपको यहाँ पे लगाना होगा इस तरीके से, एंड मेरा जो स्क्रू ड्राइवर था वो है, तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लगा लेता हूँ सिंपल। अब यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये जो नीचे वाला पार्ट था एक बार ट्राई करते हैं। ऑलराइट, ऊपर हो गया है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो पावर केबल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हेयर वी हैव टोटल 3 एंड हेयर आई हैव एक्स्ट्रा 2, क्योंकि 6 पिन में आएगा 75 वॉट होता है एंड 8 पिन वाले में वो 150 देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये देख लीजिए ये इस तरीके से आपको ये गाइस प्रेस करना होगा ताकि ये आप इसको इजीली एंटर कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 6 पिन है उसको आप गाइस लगा लीजिए, छोड़ दीजिए, एंड बाकी बचा ये जो 2 है, तो यहाँ पे जो 2 बचा है उस पर आप इसको इस तरीके से लगा दीजिए, दिस इज इट। सो पावर SMPS जिसको आप PSU भी बोल सकते हो, पावर सप्लाई यूनिट, मिनिमम 500 वॉट का आपको बस कनेक्ट करना है, बस खत्म गाइस, यही है। कुछ आपको फॉर्मेट या CPU हटाना कुछ नहीं करना है, थोड़ा क्लीन कर लेना बस खत्म, कुछ टेंशन नहीं है। अब अगर आप पोर्ट्स देखोगे यहाँ पे, तो
तो यहाँ पे आप पोर्ट्स देख सकते हो बहुत क्लियरली इस जगह पे, समझ रहे हो? सो हियर वी हैव वन HDMI, बाकी तीनों के तीनों डिस्प्ले पोर्ट है। अब बस हमें इसको कनेक्ट करना है। तो अभी ये जो पार्ट है यहाँ पे लगे, तो आप ये भी जो है आपका पैनल इसको लगा लीजिए इस तरीके से, है ना, आई गेस ऐसे जाएगा ये। एंड बस आप गाइस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इजीली आपका जो स्क्रू लगता है ऐसे करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये साइड पैनल है वो उसको लगा दिया है, सब मेरा सेट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब ये जो पार्ट है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, खाली मुझे दो केबल यहाँ लगने वाला है। एंड ये मेरा पावर सप्लाई मेन SMPS का, एक मेरा लैन केबल जो वाईफाई राउटर रखा हुआ है, एंड आपको जो भी HDMI माउस कीबोर्ड जो आपको चाहिए अब यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। सो गाइस अब आप मैं इसको इस तरीके से मेरा जो पार्ट है, एंड बाय द वे गाइस अभी रिसेंटली मेरा ये काम चल रहा है इंटीरियर घर का, रूम का बेसिकली, इफ़ यू वांट और मेरा ये टूर। तो गाइस आप इस वीडियो को 5,000 लाइक्स कर दीजिए, मैं अपना रूम टूर भी आपको बताऊँगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी, ये जैसे पावर सप्लाई, ये मेरा लैन का केबल, एंड बाय द वे केबल मैनेजमेंट भी मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। एंड ये है मेरा एक्चुअल में QG ब्रांड का मैंने लिया हुआ है, वैसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जस्ट आपको इसको लगा देना है। एंड मेक श्योर गाइस अगर ये प्रॉपर फिट नहीं आता है थोड़ा सा आप लूज कीजिए देखो, एंड फिर इसको आप इस तरीके से कम्प्लीटली अंदर एंटर करना तभी सही है। देन एक HDMI लगा रहा हूँ मैं, ये बेसिकली ड्यूल मॉनिटर सेटअप है, जो अगर आपको ड्यूल मॉनिटर सेटअप भी चाहिए तो मुझे बता दीजिए, या परफेक्ट। बस एक चीज़ रह गया है, ये है मेरा गाइस USB हब, जिसके अंदर बहुत सारे आपको इस तरीके से चीज़ें मिल जाएंगे। ये भी इसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, एंड ये मेरा USB 3 वाला पोर्ट है, तो मैंने इस तरीके से लगा दी। ऑलराइट, तो मैं अब यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ पावर, अभी देखो ऑन नहीं होगा, लेकिन अब मुझे यहाँ से इसको करना होगा ऑन। अब आप देख सकते हो गाइस स्टार्ट हो चुका है, लाइट्स जल रही है मेरे कैबिनेट पे, है ना। अब हम सीधा ऊपर आते हैं, ये जो केबल है ग्राफिक कार्ड का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो ऊपर से इधर जा रहा है और इधर से यहाँ से निकल रहा है। एंड अभी गाइस केबल पे आप ध्यान मत दीजिए, मैं बहुत जल्द ठीक करने वाला हूँ। एंड ये मेरा डिस्प्ले पोर्ट मैंने इधर पीछे लगाया है, ड्यूल मॉनिटर सेटअप है, तो गाइस देखो आप यहाँ पे दिखा दो सिद्धार्थ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस केबल को मैंने यहाँ इस तरीके से लगाया हुआ है। ये मेरा मेन डिस्प्ले पोर्ट है, ये मेरा पावर केबल है इस मॉनिटर के लिए, ठीक है। ये मेरा 2K मॉनिटर है, एंड हियर आई हैव 1080p मॉनिटर BenQ की तरफ से, जिसपे मैंने HDMI का लगा रखा है। तो ड्यूल सेटअप इस तरीके से होता है, तो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ड्यूल सेटअप भी चाहिए तो। तो ये ऑन हो गया है मेरा, मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि मैं 1650 मेरा ग्राफिक कार्ड आपको दिखाई दे रहा था। एंड हाँ, ये जो पार्ट है ये भी मैं लगा लेता हूँ, तो बस कनेक्ट ही करना, कुछ नहीं। मेरे पास गाइस ब्लूटूथ था बट वो HP का खराब हो गया, सर्विस सेंटर वाले बोल रहे 25 दिन लगेगा, तो फिलहाल मैंने टाइम पास के लिए जेब्रोनिक्स का ऑर्डर किया हुआ है, बट ये बहुत ऑसम है, 120 रुपये में ये। सो गाइस देखो, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन एस्केप आपको प्रेस करना है, आप टास्क मैनेजर पे आओगे, हियर वी हैव अ परफॉर्मेंस। एंड गाइस आप देख सकते हो, अब इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे देख लीजिए, NVIDIA GeForce RTX 4060। एंड यहाँ बॉटम पे आप देख सकते हो गाइस क्या है इसके जितने भी स्पेसिफिकेशंस है, सब कुछ आप देख सकते हो, मैनेजमेंट में भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सो या गाइस आपने देखा कितनी ईजिली हमने हमारे PC पे जो ग्राफिक कार्ड है उसको अपग्रेड कर लिया है, इंस्टॉलेशन कर लिए, एल्स अगर आप बाहर से किसी और को बुलाते तो गाइस आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता। सो गाइस आप देख सकते हो कि अभी जो आपको दिखाई दे रहा है गाइस, एक्चुअल में मैंने यहाँ से अपना जो ये ग्राफिक कार्ड है उसको परचेस की, मैंने बहुत सारे शॉप देखे, मैंने ऑनलाइन देखा, लेकिन यहाँ पे मुझे सबसे कम प्राइस में मिला, इवन होलसेल जो प्राइस है उससे भी कम में इन्होंने मुझे दिया, जो कि बहुत ऑसम वाली बात है। एंड बहुत सालों से मैं इनको जानता भी हूँ, मेरा जो ओल्ड लैपटॉप था वो मैंने इनके साथ एक्सचेंज की है, तो गाइस बहुत ही ऑसम है। अगर आप पुणे में रहते हो देन इनका जो शॉप है गाइस वो है विमान नगर में, एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप इनको गाइस कांटेक्ट कर सकते हो यूजिंग मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चाहे आपको PC बिल्ड करना हो, रिपेयर करना हो, या अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सस्ता एकदम होलसेल से कम प्राइस में बाय करना, देन बोथ चेकआउट पेगासस लैपकॉम सर्विसेज विमान नगर ब्रांच। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, आप देख सकते हो कि फाइनली आज हमने देखा कि कैसे आप 4060 को अपने PC में खुद से इंस्टॉल कर सकते हो एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आपके पैसे भी बच गए। एंड गाइस बताना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो में 5000 लाइक्स कंप्लीट करते हो देन गाइस 1650 सुपर एंड देन 4060 में एकदम डिटेल कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा, ये मैं दिखाऊंगा कि जो मैं वीडियो एडिटिंग एंड देन रेंडरिंग करता हूं
मुझे कितना डिफरेंस मिल रहा है, कितना टाइम का मुझे डिफरेंस मिल रहा है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड मेरे पास बहुत सारे गैजेट्स है गाइस, आप मैं बता नहीं सकता हूं। अगर उन सब के ऊपर भी अगर आपको यू नो इस तरीके से अनबॉक्सिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन वाला जो वीडियो देखना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बस आपको इस वीडियो में 5000 लाइक्स कंप्लीट करने हैं, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। पेगासस जो विमान नगर ब्रांड में उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। पर कॉल करके देख लीजिए, जो भी आप बाय करना चाहते थे सबसे कम प्राइस में आपको यहाँ जरूर। और गाइस तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। फिर से 5000 लाइक्स हमारे इस वीडियो का टारगेट है। एंड गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे ऑसम चैनल था पर टेक्निकल को, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे ही ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। सो गाइस मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।